बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेशनल हाईवे बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टैंड हुड तो वापस लो, वापस लो। स्टैंड हुड वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्टैंड हुड वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्टैंड का दर्जा वापस लो, वापस लो। रेलवे बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एयरपोर्ट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेशनल हाईवे बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एयरपोर्ट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंटरनेशनल स्टेडियम बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाल किला बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। इलेक्शन बंद करो, बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल बेचनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी लाओ देश बचाओ, कांग्रेस पार्टी लाओ देश बचाओ। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम यहाँ पे किया और हमारे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी जो संपत्ति थी उसको बेचने का यहाँ पे काम किया और 6 लाख करोड़ के बीच में जो दावा यहाँ पे किया जाता है। आज भाजपा जिस ढंग से कहती थी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज इस इन्हीं के काम के माध्यम से भाजपा के इस दावे की पोल खुल के रह गई। लेकिन जो यहाँ पे बेचने रहा बड़ा अच्छा होता कि उस वक्त उसकी समय सीमा भी तय करके लोगों को बताते कि कौन सा प्रोजेक्ट किस वक्त में यहाँ पे शुरुआत हुई। आज नेशनल हाईवे हो, आज पावर का सिलसिला हो, आज BSNL वाली चीज़ें यहाँ पे हो, आज एयरपोर्ट यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी को भी कोई भी स्टेक होल्डर जो था, चाहे वो किसान थे, चाहे वो ट्रेड यूनियन थे, चाहे एम्प्लॉइज थे, किसी को भी कॉन्फिडेंस में यहाँ पे नहीं लिया गया। और जिस ढंग से आज हिंदुस्तान में तरह तरह की जा रही है, कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि भाजपा रियासत की सरकार हो, यहाँ पे शासन करना उनको आता नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने यहाँ पे पोलिशन सरकार बनाई, आज जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर करके भाजपा ने यहाँ पे रख दिया। जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीना गया, यहाँ के रोजगार छीने गए और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। जब हिंदुस्तान में सत्ता संभाल ली तो बेचने का काम जो इन्होंने शुरुआत यहाँ पे किया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि जन विरोधी ये फैसले यहाँ पे थे। उसका जितना भी विरोध हो, आज उसी की कड़ी में आज सोनिया गांधी जी के आदेश पे आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रूरल हरि सिंह चीफ जी की अगुवाई में आज आरसपुरा में ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे है और हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक ये बढ़ती हुई कीमतों पे भी लगाम ना लगाए, टैक्स की कमी ना कर पे। और 2 महीने में 3 बार गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है और पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोरोना में जब लोगों के पास जेब खर्च नहीं, पॉकेट मनी नहीं, खर्चने का कोई साधन नहीं, उस वक्त ये महंगाई की मार के माध्यम से लोगों की जो कमर तोड़ी है, कांग्रेस आज गरीब आवाम के साथ खड़ी है।